तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखना, ये ऑफिस मीटिंग रिसेप्शन रूम, यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ है ये पूरा व्यू आपको दिखेगा यहाँ पे। और अगर आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ऐसे डाउनलोड करके ऑप्शंस आपको मिले। अभी इसके अंदर आप देखोगे ये सारे मटेरियल्स विद फाइल आपको मिलेगी। हे हाय फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला कि दो ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ से आप 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ के जो 3D मॉडल होते हैं उनकी क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी होती है। और अगर आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो वो फाइल, तो आप एकदम रियलिस्टिक रेंडर निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी जो लाइब्रेरी होती है ना वो एकदम अप टू डेट उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैरायटी आपको मिलेगी, तो सारे आपको लेटेस्ट जो फर्नीचर के मॉडल्स वगैरह होते हैं तो वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो इंटीरियर या जो भी आप एक्सटीरियर करोगे तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल का बन सकता है, अगर आप वो सही तरीके से यूज़ करते हो तो। साथ में उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो जो मॉडल डाउनलोड करते हो तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है अपने सिस्टम में। ऐसा ना हो जाए कि आपने कुछ भी फाइल वहां से डाउनलोड की बट नेक्स्ट टाइम अगर आपको सेम मॉडल अगर यूज़ करना है तो आपको पता नहीं है कि वो आपने कहाँ पे रखा है, या अगर आपने कुछ फोल्डर बनाए बट उस फोल्डर के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट है वो ही आपको नहीं पता, तो आपका काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हे गाइस, यहाँ पे मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से ना आप 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हो और इनकी क्वालिटी एकदम बेस्ट होती है। और यहाँ पे आपको एकदम अपडेटेड जो मॉडल्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो जिससे क्या होगा ना कि आप जो भी इंटीरियर सीन या एक्सटीरियर भी अगर आप कर रहे हो तो आप एकदम अच्छे वाले रेंडर क्वालिटी ला सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको ये वाली साइट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3dskymodel.com, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और ये साइट आप अपने बुकमार्क में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक साइट है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वेरिएशन दिए है। यहाँ पे आपको फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर आप देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बेड, चेयर, आर्म चेयर, ऑफिस फर्नीचर, काफी सारे। इसके बाद बाथरूम की एक कैटेगरी दी है। डेकोरेशन में भी आप देखोगे तो कर्टन वगैरह। फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर में अगर हम लोग बेड के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसे कैंसिल करते हैं हम लोग, तो बेड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, फ्री एंड प्रो। तो फ्री यानी हम लोग फ्री में डाउनलोड करेंगे, प्रो यानी हम लोग को पेड करना है। ऑल में आपको फ्री एंड पेड दोनों भी दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे फ्री को सिलेक्ट करना है, तो आपको ये सारे फ्री वाले मॉडल्स मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको काफी सारी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, और ऐसे आगे आप जाओगे 1 2 3 तो ये आपको मिल जाएंगे। वैसे ही फर्नीचर के अंदर अगर आप और भी अगर कुछ चीजें देखोगे तो सोफा के अंदर हम लोग आते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको फ्री सिलेक्ट करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये विथ इंटीरियर आपको मॉडल दे रहे हैं। अभी ये वाला अगर आप सोफा 19 ले रहे हो तो ये विथ इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे भी देखो सोफा 09, ये भी विथ इंटीरियर आपको मिलेगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, सोफा के साथ आपको डेकोरेटिव आइटम चाहिए तो वो भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो पूरा सेट आपको मिल जाता है, तो आपको जैसे इसको मैनेज करना आप वैसे मैनेज कर सकते हो, एडिट करके जो चीजें चाहिए वो आप ले सकते हो। तो ये एक बेस्ट वेबसाइट है जो कि आपको अगर फ्री वाले मॉडल्स अगर यूज करने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोफा वगैरह ये सारे मॉडर्न टाइप के यहाँ पे आपको, और ये एकदम अपडेटेड फर्नीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप अपना इंटीरियर अगर बनाओगे सीन तो एकदम आपको अपडेटेड सीन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे
ऑफिस फर्नीचर भी अवेलेबल है, तो उसमें आपको ये वर्क स्टेशन वगैरह, चेयर्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। वैसे ही बाथरूम, किचन, लाइटिंग के अंदर भी आप सीलिंग लाइट के अंदर जाओगे तो आपको काफी सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आजकल जो नए ट्रेंड में जो मॉडल चलते हैं ना, वो सारे मॉडल आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे ट्रेंडिंग लाइट्स हैं, तो ये सारी लाइट्स आप यहाँ से ले सकते हो। जो भी है देखो, ये वाली लाइट भी है, ये अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर डालते हो तो कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी में जाओगे तो यहाँ पे आपको PCN, ऑडियो टेक्नोलॉजी, TV वगैरह ये सब मिलेंगे, बट तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। हाउस होल्ड, डायरेक्टली आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, बट अभी यहाँ पे काफी मिनिमम ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। और सबसे मेन जो बात है, यहाँ पे आपको इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से ये सारे रेडीमेड रूम भी मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो बेडरूम, लिविंग रूम, रेस्टोरेंट, ऑफिस रूम, बाथरूम, तो जो मिसिंग चीज है वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे बेडरूम है, मैं बेडरूम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये पूरे बने बनाए हुए बेडरूम आप यूज कर सकते हो। तो इसमें यूज कैसे होता है कि अगर आप कौन सा भी अगर बेड रेफरेंस हिसाब के ले रहे हो तो आप बेड के साथ ये कुछ डेकोरेटिव आइटम ले सकते हो, या ये कर्टन होता है ये कर्टन भी आप ले सकते हो, या ये हैंगिंग लाइट्स, तो ऐसे कुछ चीजें मान लो जैसे TV हो गया, तो ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे काफी बड़ी लाइब्रेरी, आप यहाँ पे देख रहे हो ये काफी बड़ी लाइब्रेरी है, तो इसमें आपको जैसे चाहिए वैसे इंटीरियर आपको मिल जाएंगे। बेडरूम हो गया, उसके बाद ये ऑफिस रूम हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो, अभी हमने यहाँ पे फर्नीचर में ऑफिस फर्नीचर देखा, बट वहाँ पे काफी मिनिमम चॉइस थी हमारे पास। बट आप अगर यहाँ पे जाते हो, यहाँ से अगर आपको कुछ भी फर्नीचर मिलता है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि वर्क स्टेशन, ये साइट स्टोरेज वगैरह, ये कुछ भी ऑफिस लाइट्स वगैरह, सीलिंग आपको चाहिए तो सीलिंग ले सकते हो ऑफिस के लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कुछ ऑफिस चेयर, लैपटॉप वगैरह, ये इक्विपमेंट यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये चेयर वगैरह, जो भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है वो भी आप किसी भी फाइल से ले सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ये एक बेस्ट वेबसाइट है जो कि मैं यूज करता हूँ पर्सनली। यहाँ पे देखो ये लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स का जो ऑप्शन है ये आपको अच्छे से मिलेगा। अगर आप कौन सा भी बड़ा लॉबी करे तो वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह आपको डालना है तो ये, या फर्नीचर चाहिए आपको वो सब मिलेगा। तो ये एक वेबसाइट है, तो अभी हम लोग वेबसाइट थ्रू जाते हैं, तो इसमें मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखना ये ऑफिस मीटिंग रिसेप्शन रूम, यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ है ये पूरा व्यू आपको दिखेगा यहाँ पे। और अगर आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ऐसे डाउनलोड करके ऑप्शंस आपको मिलेगा, तो ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना है। फिर आप इस वाले लिंक पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये ऐसे लिंक आ जाएगी, आपको रुकने के लिए बोलेगा, तो ये टाइमिंग हो गया आपका। उसके बाद फिर गेट लिंक, गेट लिंक करने के बाद फिर आपको ये गूगल ड्राइव की फाइल आपको शेयर करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड एनी वे पे क्लिक करना है, फिर ये डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। अभी यहाँ पे हमारी ये फाइल डाउनलोड हो रही है, बट अभी हमें इसे ऑर्गेनाइज भी करना है सही तरीके से। तो
तो ऑर्गेनाइज क्या कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये नाम आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये नाम आपने कॉपी कर लिया इसका, फिर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे, सेव इमेज। यहाँ पे आपको आपका फोल्डर का पाथ देना। अभी यहाँ पे मैं ये एक पाथ दे रहा हूँ, यहाँ पे 3D स्काई मॉडल इंटीरियर करके लिखा है और यहाँ पे मैंने डाले हुए वो सब। तो यहाँ पे अभी जो नाम मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे इस इमेज को वो नाम मैं देता हूँ और यहाँ पे से सेव कर देता हूँ। तो मैंने अपने उस लोकेशन पे इस फाइल को सेव किया, ओके। अभी यहाँ पे हमारी ये फाइल भी डाउनलोड हो गई, तो अभी इसे हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे डाउनलोड के अंदर हमारी ये फाइल मिल गई, यहाँ पे नाम अलग है। अभी जैसे कि हमने जो नाम कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वही नाम, ठीक है। और इसे एक्सट्रैक्ट टू ये फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक फोल्डर बनेगा। अभी फोल्डर के अंदर भी आपका फोल्डर रहेगा, तो यहाँ पे अलग नाम है, फिर से इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसे भी सेम नाम देना है आपको। अभी इसके अंदर आप देखोगे ये सारे मटेरियल्स विद फाइल आपको मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, फिर इस फाइल को कट करना है यहाँ से, और जो आपका लोकेशन था तो ये मेरा लोकेशन था, यहाँ पे मैंने वो इमेज सेव की है। देखो यहाँ पे इमेज भी सेव है, और भी यहाँ पे मैं वो फाइल पेस्ट करूंगा, वो जो फोल्डर है। तो क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। आप सिंपल यहाँ पे इमेज देखोगे, हाँ ये वाली इमेज है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो ऑफिस मीटिंग रिसेप्शन रूम 1280, तो आपके फोल्डर पे भी सेम नाम होगा, तो वो आपको फोल्डर मिल जाएगा। यानी आपको इसमें पता चलेगा कि इन फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें हैं, जो कि आप यहाँ पे इमेज को देख के आपको पता चलेगा कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है। यहाँ पे देखो कि बेडरूम 588, अभी इसके अंदर कौन सा बेडरूम है वो आपको इस फोल्डर को देख के तो पता नहीं चलेगा। तो हमने इस नाम से यहाँ पे इमेज सेव किए, तो हमें पता चलेगा कि उस फोल्डर में ये वाला बेडरूम का सीन है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ये फाइल डाल दी। तो अभी बाद में मैं आपको ये ओपन करके भी दिखाऊंगा, बट हम लोग अभी फिर से आते हैं हमारे उस साइट पे। अभी आप देखो यहाँ पे ऐसे आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे रेडी मॉडल भी मिलेंगे सारे, स्टडी रूम, ड्रेसिंग रूम, तो आप वो चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको ये टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद ये अदर मॉडल्स करके, जिसमें कि आपको शॉप, डोर्स, विंडो, स्टेयरकेस, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन एरिया भी है, तो उनके भी जो टेबल चेयर होते हैं, टॉयज होते हैं, किड्स बेडरूम वो मिलेगा। एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सटीरियर डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये एक साइट 3dskymodel.com, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक दूसरी साइट बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो ये 3dsky.org करके, यहाँ पे देखो 3dsky.org, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जरूर चेक कर लेना। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले। ये वाली जो साइट मैंने आपको बताई ना, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3dskymodel.com है, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो मॉडल। बट 3dsky.org पे जाओ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आप किसी भी एक ईमेल आईडी से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, यानी दिन में आप 3 से 5 फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके ऊपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो दिन में। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको 5 से भी ज़्यादा अगर मॉडल डाउनलोड करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2-3 ईमेल आईडीज लेने हैं और उनसे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। तो 2-3 ईमेल आईडी लेके उनके पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है और फिर वही आपको यूज करना है। तो आप 5 से ज्यादा भी मॉडल यूज कर सकते हो पर डे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग साइन इन पे जाएंगे,
साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ऐसे नाम दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे थ्री स्काई जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको दिखा वहाँ पे कैसे टाइप से, वैसे आपको यहाँ पे टाइप मिलेंगे, ड्रेसिंग टेबल, हॉलवेयर, रैक, टीवी वॉल, कंसोल। तो जैसे कि हम लोग कंसोल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रो एंड फ्री ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको फ्री वाले ऑप्शन लेने हैं, प्रो में आपको पेड ऑप्शन मिलेगा, तो हम लोग फ्री को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये सारे फ्री मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें भी आपको एकदम अपडेटेड जो मॉडल्स थे वो सारे मॉडल्स यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो काफी बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पे, तो ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। फिर से हम लोग होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे 3D स्काई को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये टेबल चेयर, तो जैसे कि हम लोग सोफा को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्री, तो आप यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे अच्छे आपको मॉडल यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे मॉडल्स आप यूज कर सकते हो। अभी इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जैसे कि मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करनी है डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो सोफा है यहाँ पे सिर्फ सोफा नाम दिया है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, सबसे पहले इमेज को सेव करूँगा 3D मॉडल के अंदर, यहाँ पे सोफा कर गए, इसके अंदर मैं सोफा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सोफा करके नाम से, तो सोफा 05 अभी दे दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोफा 05 दिया और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है तो इसे क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि ये मैक्स 2018 में बना हुआ मॉडल है, साथ में उसमें आपको OBJ करके फाइल भी मिलेगी और ये कोरोना रेंडर, ठीक है। अगर वीरे होगा तो यहाँ पे वीरे आ जाएगा, या कोरोना एंड वीरे दोनों भी अगर ऑप्शन है उनके पास तो यहाँ पे ये लोग दोनों भी ऑप्शन लिख के देते हैं। अभी इसे हम लोग फ्री डाउनलोड करके क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अभी इसे भी हम लोग क्या नाम देंगे, सोफा 05 करके हमने नाम दिया था, तो वही नाम देंगे जो इमेज को हमने नाम दिया हुआ है, वो यहाँ पे हम लोग देंगे। अभी इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे फोल्डर को, तो ये हमारा फोल्डर बन गया। इसके अंदर आप देखोगे तो ये मॉडल भी है और साथ में ये सारे टेक्सचर्स भी है, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम लोग कट करके जो हमारा ये एक फोल्डर है इसके अंदर हमने सोफा करके एक फोल्डर बनाया, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, तो सोफा 05 करके नाम दिया और यहाँ पे देखो इमेज भी है, तो मुझे पता चलेगा कि ये मॉडल कौन से फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये एक हो गया, तो हम लोग फिर से 3D Sky वाले साइट पे जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वैसे आपको ये सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने, फिर से होम पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी वराइटीज आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको टेक्सचर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाले भी मॉडल्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि PC एंड ओदर, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको एक पूरा कैबिनेट ऐसा मिलेगा, स्क्रीन मिलेंगे यहाँ पे, कुछ फैंस, वो हार्डवेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सब मिलेगी, लैपटॉप, ये देखो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि रेंडर होने के बाद एकदम रियल दिखेंगे। तो ये एकदम बेस्ट वेबसाइट है दोनों भी, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर रिलेटेड भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, अभी कैटेगरी वाइज दिया है, अगर आपको सब एक साथ देखना तो आप यहाँ पे जो हेडिंग है आर्किटेक्चर इसे भी आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे दिख जाएंगे एक साथ। तो आपको यहाँ पे फ्री में क्लिक करना है, फिर वो यहाँ पे कैनोपी वगैरह सारे, परगोलाज वगैरह, सीटिंग चेयर आउटसाइड वगैरह, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कंपाउंड वॉल है, ऐसे
छोटे मोटे रूम्स भी है यहाँ पे। आपको अगर कुछ क्लासिकल ऑब्जेक्ट भी चाहिए, कॉलम पिलर्स वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्लासिकल मोल्डिंग्स वगैरह भी है यहाँ पे, तो ऐसे सारी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो ये सारे रेडीमेड ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। या किसी गार्डन का सीन करे तो गार्डन के अंदर आपको ये ऐसा सीटिंग भी रखना है तो भी ये आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आप एक्सप्लोर करोगे हर एक ऑप्शन, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी रेडीमेड चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वैसे आपको यहाँ से लेना है। अभी ये तो बात हो गई प्री मॉडल्स की, तो दो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, एक तो 3dsky.org है और ये 3dsky.model.com। उसके बाद अभी मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फोल्डर का प्रॉपर, वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने एक ड्राइव में 3D मॉडल्स करके एक फोल्डर बनाए हुए हैं, तो आपको भी वैसे ही करना है। जो भी आप मॉडल डाउनलोड करोगे तो रैंडमली कहाँ पे भी नहीं रखना, आपको एक 3D मॉडल्स करके आपको फोल्डर बना के उसके अंदर आपको ये सारे ऑर्गेनाइज करके रखना है आपका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखा मैंने ये सोफा, बेड, कंसोल, डिस्प्ले कैबिनेट, 3D पैनल, बाथरूम, सीलिंग लाइट्स और ये आर्म चेयर, ऐसे हर एक कैटेगरी वाइज फोल्डर बने। तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो बेड के अंदर आप देखोगे तो विथ इमेज विथ फोल्डर यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि ये 5-2 ये नंबर है, तो ये वाला मॉडल आपको इस वाले फोल्डर में मिलेगा। उसके बाद बेड 4481, तो यहाँ पे आप देखोगे बेड 4481, तो ये वाला हमारा फोल्डर है कि इसके अंदर आपको ये वाला मॉडल मिलेगा। तो वैसे ही आपको ऑर्गेनाइज करना है, बेड का हो गया। वैसे वॉल प्लास्टर है तो वॉल प्लास्टर के भी देखो इमेजेस यहाँ पे निकाले और यहाँ पे वो फोल्डर है। तो ऐसे कई सारे मोल्डिंग्स वगैरह जो कि इंटीरियर में काम आती है वो आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको सारी मिल जाएंगी उन वेबसाइट पे। बाकी अगर जो कैटेगरी आपको नहीं पता चलती है कि किस में रखना है, तो उसके लिए आपको एक ऑर्डर करके फोल्डर है वो बनाना है। तो इसके अंदर आप ये सारी चीजें डाल सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गई या जो भी है, ये सारी चीजें एंकर है ये। तो ये मैंने अदर फोल्डर जो बनाया है उसके अंदर मैंने डाल दिया है, तो वैसे आपको डाल देना है फिर उसके अंदर। तो ऐसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और एक फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वो फोल्डर है जिसमें हमने पूरे जो इंटीरियर रेडीमेड इंटीरियर जो होते हैं वो हमने इस फोल्डर में डाले हुए हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो भी बेडरूम है या लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम 38, तो यहाँ पे अभी आप जाओगे तो लिविंग रूम 38 ये आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर ये आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। तो अभी इसमें से हम लोग एक कौन सा, तो एक जैसे कि हमने ये डाउनलोड किया फाइल, तो ये फाइल हम लोग देख लेते हैं कि फाइल के अंदर हमें सही तरीके से ऑब्जेक्ट मिलते हैं कि नहीं। तो ये कौन सा, ऑफिस मीटिंग रूम, तो हमने जो डाउनलोड किया था वो प्रेस करते हैं ऑफिस मीटिंग रूम 1280। ठीक है, तो इसे मैं ओपन करूंगा, इस फाइल का पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और अभी हम लोग आते हैं हमारे मैक्स वाले विंडो में। तो अभी यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, जो पाथ मैंने कॉपी किया वहाँ पे पेस्ट करूंगा और ओपन, तो डायरेक्टली ये फाइल मुझे मिल जाएगी। इसे डबल क्लिक करता हूँ, इसे कैंसिल कर देना है। ठीक, यहाँ पे देखो ये सारे हो गए। यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वालिटी करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट फिल्टर में जाएंगे, प्रेफरेंस सेटिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो हमें मॉडल एकदम प्रॉपर मिल गया, यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी दी हुई है। आप यहाँ पे रेंडर सेटिंग चेक करोगे तो विथ रेंडर सेटिंग आपको मिल जाता है। तो ये वीरे वाली फाइल है, अभी यहाँ पे देखो मैं इससे देखो, ये पूरा बना बनाया हुआ मॉडल आपको मिल जाएगा। अभी सीलिंग को मैं अगर हाइड कर देता हूँ,
देखो लाइट और कैमरा बंद कर देता हूँ। देखा आपने, ये काफी अच्छा मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सारे 3D मॉडल्स हैं, तो इसमें से आप ऑब्जेक्ट वगैरह उठा के आप अपने दूसरे इंटीरियर सीन में भी डाल सकते हो। ये बुक शेल्फ हो गया, ये सिटिंग हो गया, आपको कहीं पे डालनी होगी तो ये सिटिंग आपको कहीं पे डालनी तो आप डाल सकते हो। ये लाइट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो किधर अगर चाहिए तो। ये प्लांटेशन तो देखा आपने, ये काफी अच्छा क्वालिटी वाले मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताई है, सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करनी है। अगर आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सीन बनेगा ना, वो काफी अच्छा ही बनने वाला है। और उसके बाद अगर आप रेंडरिंग करते हो तो वो रेंडर और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल्स मिलते हैं वो सच में काफी अच्छे मॉडल्स होते हैं और काफी लेटेस्ट मॉडल होते हैं। तो डेफिनेटली ये ट्राई करना। इन दोनों भी वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके उसको चेक कर लेना। पर हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं और भी ऐसे टाइप के कुछ वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। साथ में ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो जो बेल वाला आइकन है वो भी आप प्रेस करना, ताकि मेरे आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहना चैनल पे। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।